अच्छा वो जो क्विज दिया था वो हो गया, उसमें सारी फाइनेंशियल एक्टिविटी हैंडल हो गई थी। डिविडेंड कितना आया था? 3 लाख रुपए का। और बोनस डिविडेंड 150 का, 150। अच्छा 150 का आपने जो बोनस डिविडेंड निकाला था उसकी परसेंटेज थी कितनी? 10%। और वो आपने ओपनिंग कैपिटल पे लगाया था, क्योंकि वेरी गुड, बिल्कुल, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि बोनस डिविडेंड आपने उन शेयर होल्डर्स को दिया था जबकि मैंने नए शेयर होल्डर नहीं आए थे। आपके सामने डेट्स होंगी, आई थिंक बोनस की डेट पहले थी और जो न्यू शेयर होल्डर आए थे सितंबर में आए थे, ऐसा ही है ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, व्हाट इफ वो जो न्यू शेयर होल्डर है वो मार्च में आ जाते हैं, उनको भी मिलता, यानी फिर बोनस आपको पुराने वालों को भी देना होता, नए वालों को भी, तो इसमें क्यों नहीं दिया था? क्योंकि वो बाद में आते, यानी जब मैं बोनस डिक्लेयर कर रहा था उससे पहले सिर्फ ओपनिंग शेयर होल्डर्स मौजूद थे, नए शेयर होल्डर नहीं आए थे। अगर नए शेयर होल्डर आ जाते मेरे बोनस के डिक्लेरेशन से पहले तो वो भी इंटाइटल्ड होते इस बोनस के लिए, क्योंकि डिविडेंड फिर हर शेयर होल्डर को मिलता है, और हर शेयर होल्डर का मतलब है वो भी इस कंपनी के क्या होते हैं, मालिक होते, ओनर होते हैं। बात क्लियर है? चलें जी, अब अपने पास हेडिंग डालते हैं आप, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड एंड अदर पेबल। अब मैं बेसिकली आपको पास पेपर्स की कुछ चीजें बताऊंगा, कॉन्सेप्ट आपको आते हैं, खाली वो किस तरीके से कंफ्यूज करता है वो चीजें देखनी है, तो वो इसमें देख लेते हैं आज। अच्छा भाई, अब मैं अगर आपको ये पूछूं, आपने ये सीखा है मेरे साथ के जो ट्रेड पेबल है यानी अकाउंट्स पेबल का इंक्रीज क्या होता है कैश फ्लो में? ऐड होता है। अच्छा, अकाउंट्स पेबल में इंक्रीज होने का मतलब ये है कि वो पैसे आपने पे नहीं किए जबकि उससे रिलेटेड जो इन्वेंट्री परचेज की थी वो यूज हो चुकी है, ये हमारा कंक्लूजन था। अच्छा जी, अब फोकस होकर ताकि इसमें कंफ्यूजन ना हो, देखो कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं, मैंने आपको सिर्फ आज की क्लास में ये बताना है कि अगर पास पेपर के साथ वो पूछता है तो वो किस तरीके से मिक्स करके पूछेगा तो उसमें कंफ्यूज ना हो। सही जी, प्लीज देखिएगा फोकस के साथ। मैंने ये कहा कि सर यहाँ पे कुछ चीजें लिख रहा हूं मैं, ये जो सर मेरा ट्रेड पेबल का अकाउंट है, सही है जी, वो रिलेट करता है आई थिंक इस अकाउंट से, COGS, ऐसा है भाई? ये COGS मेरा PNL आइटम है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का, तो मैं कह रहा हूँ ट्रेड पेबल मेरे PNL के COGS के आइटम से लिंक करता है। अब उसको और अच्छे से समझते हैं, क्या मैं कह सकता हूँ मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरी तमाम इन्वेंट्री की जो मैंने बेची मेरे PNL में चार्ज नेगेटिव हो चुकी होगी जिससे मेरा प्रॉफिट कम हो चुका होगा, ये हमने सीखा हुआ है। फिर अगर मेरा ट्रेड पेबल मुझे इंक्रीज होता हुआ दिखा तो मैं फिर ये कहता हूँ कि ऊपर जो COGS चार्ज हुई हुई है उसमें से इतना पैसा मैंने पे, तो इसलिए मैं उसको ऐड बैक किया करता था। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेरी गुड। अब आगे सुनो, अब आपको वो बैलेंस शीट के अंदर ये नहीं लिख के देगा ट्रेड पेबल, वो आपको लिख के देगा ट्रेड एंड अदर पेबल। अब जरा इस बात को समझते हैं, ट्रेड एंड अदर पेबल, यानी सर अब मैंने यहां से इसको लिंक किया कि मैं कह रहा हूं ये जो ट्रेड पेबल है ना, जो ट्रेड पेबल है वो किससे रिलेट करता है? COGS से। सर आप सिंपल ये कहें मुझे आसानी से समझाने के लिए कि वो रिलेट करता है, ऐसा ही है, यानी फिर रिपीट कर रहा हूं, जो माल मैंने खरीदा और उसको बेचा वो जो बेचने का एक्सपेंस है यानी जो माल यूज हो गया वो एक्सपेंस हो गया ना, वो पूरा COGS मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में एज अ नेगेटिव चार्ज हो जाता है, जबकि लाजमी नहीं कि उसका पैसा पे हुआ हो, तो वो ऐसे पता लग रहा होता है कि आपका अकाउंट्स पेबल क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। बट मसला ये आ गया है अब कि मेरे पास बैलेंस शीट में एग्जामिनर ने ट्रेड पेबल नहीं दिया, उसने इसके साथ एक और चीज मिला दी, अदर पेबल। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, वो कहेगा ये आपको
कि ट्रेड एंड अदर पेबल इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेबल ऑफ रुपीज, लेट से ये बोलेगा 50,000 और आपको ब्रैकेट में लिख के देगा 2021 रुपीज 30,000। यानी एग्जामिनर ने आपको ये बता दिया, एग्जामिनर ने आपको ये बता दिया कि इस ट्रेड एंड अदर पेबल के अंदर सिर्फ ट्रेड पेबल नहीं है, कोई और पेबल भी है। और फिर नीचे एडजस्टमेंट्स में बताएगा कि वो और कोई जो पेबल इसके अंदर है वो क्या है, इंटरेस्ट पेबल। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? यानी सर पहले तो हमने इसको अलग किया, यानी मैं कह सकता हूं कि अदर पेबल यहां पे मेरी एग्जांपल के अंदर इसके अंदर छुपा हुआ है क्या, इंटरेस्ट पेबल। भाई यहां तक कोई मसला? हमने इसको डिटेलिंग में ऐसे अलग अलग करके समझाया कि होगा क्या, चल क्या रहा होगा। मैं वैसे भी दे सकता था, सवाल बढ़ी है कि वो कंफ्यूजन क्रिएट करता, लॉजिकली इसको समझे वापस से। अब जब मुझे सवाल मिलेगा तो सवाल के अंदर कुछ कहानी यूं होगी, 2021 भी दिया हुआ होगा, 2022 भी दिया हुआ होगा। प्लीज फोकस होकर सुनिएगा। मैंने कहा कि 2021 का आपको ट्रेड पेबल दिया हुआ है 5,25, 2022 का आपको ट्रेड पेबल दिया हुआ सर कोई 824,000। अच्छा, आप कोई बेवकूफ होगा ना, वो इन दोनों का डिफरेंस लेगा और कैश फ्लो में मार देगा। जबकि आई बिलीव कि ये जो 525,000 है और 824,000 है, ये सिर्फ ट्रेड पेबल नहीं है, ये ट्रेड एंड अदर पेबल है, ये ट्रेड एंड अदर पेबल है। यानी सर मुझे एक बात समझ आ रही है, मैं डायरेक्टली इसका डिफरेंस नहीं ले सकता। मुझे एक बात समझ आ रही है कि इस 525 के अंदर 525 के अंदर 30,000 रुपए और इस 824,000 के अंदर 50,000 रुपए क्या ट्रेड पेबल है या अदर पेबल है। साहब ये बोले ना, अदर पेबल का मतलब ये है कि जो ऑपरेशन से रिलेट नहीं करता, जो ऑपरेशन से रिलेट नहीं करता। अच्छा, अब इसको और अच्छे से समझते हैं। मैं अज्यूम ये कर रहा हूं कि मेरे पास मेरी COGS मेरे PNL के अंदर, सही है जी, कोई 4,00,000 रुपए चार्ज हुई हुई है, या इसको कह लेते हैं सर हमारे PNL में वो चार्ज हुई हुई है 9,00,000 रुपए। नेगेटिव चार्ज हुई हुई होगी। मैं आपसे सिर्फ इतनी सी चीज पूछता हूं कि ये 9,00,000 रुपए वो अमाउंट चार्ज हुई हुई है जो मैंने इन्वेंट्री खरीद के बेच दी, यूज हो गई, तो यहाँ माइनस हो गई। क्या ये मानते हो मेरा प्रॉफिट इससे कम हुआ हुआ होगा? कितने रुपए से? 9,00,000 रुपए से। अच्छा, आप पहले एक काम करें, खाली 525 और 824,000 का डिफरेंस लें। अब प्लीज बहुत फोकस होके देखिएगा इधर सर, समझाने के लिए मैंने यहां पे लिख दिया सर, ये आ गया इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। बात सुनिएगा, अभी ऐसा लग रहा है कि ये जो माल मैंने ऑपरेशंस के लिए खरीदा था, अभी ऐसा लग रहा है ये जो माल मैंने ऑपरेशंस के लिए खरीदा था उसके लिए इतने पैसे मैंने पे नहीं किए जिसको मैंने ऐड किया, पर आई बिलीव कि ये मैंने गलत किया है। क्योंकि इसके अंदर जो 525,000 और 824,000 है, इसके अंदर कुछ ऐसा पैसा भी है जो रिलेट करता है इंटरेस्ट से, ना के ऑपरेशन से, जो रिलेट करता है इंटरेस्ट से ना के ऑपरेशन से। तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि क्या मेरे ऑपरेशंस का, प्लीज सुनिएगा, क्या मेरे ऑपरेशंस की चीजों में इंटरेस्ट पेबल का अमल दखल है या नहीं है? नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, माल मैंने कितने का बेचा,
9 लाख रुपए का। ये 9 लाख रुपए ये शो कर रहा है कि आपने इस साल 9 लाख रुपीज की इन्वेंट्री खरीदी और वो बेच दी, तो नेगेटिव आ गया। अगर मैं कुछ भी नहीं करूं तो अभी लग रहा है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स से 9 लाख रुपए माइनस हुआ हुआ है, तो लाजमी तो नहीं है ना कि कैश भी इतना ही गया हो सकता है कि कैश नहीं गया हो, तो वो तुम्हें कहां से पता लगता है कैश नहीं गया हो? ट्रेड पेबल के अकाउंट से। पर मैं ट्रेड पेबल के अकाउंट में जाता हूं तो वहां पे ट्रेड पेबल लिखा हुआ है या ट्रेड इन अदर पेबल लिखा हुआ है? तो आप मुझे आप एक बात बताएं, अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि ऐसा कितना पैसा है जो मैंने ऑपरेशंस के लिए माल खरीदा था बट उसकी पेमेंट नहीं की, तो क्या मैं ट्रेड इन अदर पेबल का डिफरेंस ले लूं या सिर्फ ट्रेड पेबल का? क्योंकि मुझे तो यहाँ पे ऑपरेशंस की चीज को निकालना है, नहीं ऑपरेशंस में कितना पैसा यूज हुआ पहले बताओ, ये बात क्लियर है? अब इसको यूं देख लेते हैं, बात समझिएगा। मैं अगर यहाँ पे एक बात आपसे करूं अजम्पशन के लिए कि सर मैंने इन्वेंट्री परचेज की 9 लाख रुपए की, ऐसा ही है, और सर मैंने ट्रेड पेएबल क्रिएट किया 9 लाख रुपए का, या आप लोगों को और क्लियर करने के लिए मैं एक अलग एग्जांपल दे रहा हूं ना उसी से लिंक करने के लिए, ये आ गया सर मेरा 9 लाख रुपए। अच्छा अब मैंने किया क्या, प्लीज सुनिएगा, आपसे मेरे लिए 9 लाख रुपए में से एक काम करें, 824,000 माइनस 50 करें, क्योंकि मुझे अपनी फिगर्स चाहिए सेम, 824,000 माइनस 50 करें 5,774। अच्छा भाई अब मैं ये कह रहा हूं अजम्पशन में, प्लीज सुनिएगा, अब मैं ये कह रहा हूं कि मेरी अजम्पशन है कि 774,000 आपने पे किए हैं, 774,000 आपने पे किए हैं। अच्छा भाई यानी मैंने किया ये कि अगर मैं इसमें से 50,000 हटा दूं तो आपने कहा मेरे पास आ गया 774,000। अच्छा 774,000 आपको ये बता रहा है कि आपका इतना ट्रेड पेबल मौजूद है, जो कि से किससे रिलेट करता है, ट्रेड पेबल से, सही जी। वापस से मैंने कहा कि भाई मैंने 9 लाख रुपए की इन्वेंट्री परचेज की, उस एग्जाम्पल को भी हटा के नई चीज कर लेते हैं, मैंने कहा भाई मैंने ट्रेड पेबल को डेबिट किया, कैश को क्रेडिट किया, मैं न्यू एग्जाम्पल बना देता हूं, मैंने कहा कि भाई मैंने ये हरकत की है कोई 6 लाख रुपए, अच्छा भाई अब जब 6 लाख रुपए से मैंने ये किया तो आप मुझे एक बात बताते मेरे पास कैश कितना गया 6 लाख रुपए। मैंने एक एंट्री बनाई यहाँ पे COGS डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से 9 लाख रुपए से, आपके लिए मैं फिगर्स वहां चेंज कर दूंगा, यहां तक कोई मसला? यानी आप ये मानते हैं कि इस साल आप लोगों ने 9 लाख रुपए का माल परचेज किया जिसमें से यूज भी कितने का किया, पे कितना किया, कितना पे नहीं किया, 3 लाख रुपए, यहां तक कोई मसला, पक्की बात है? अच्छा अब मैं यहाँ पे जाके आपके लिए फिगर चेंज कर देता हूं, मैंने कहा सर इसको मैं यहाँ पे सिंपल 5 लाख रुपए रखता हूँ, कितने पैसे पे नहीं किए, 3 लाख रुपए। अच्छा भाई अगर मैं सिंपल इसको सुनिएगा, सिंपल इस 5 लाख रुपए में 3 लाख रुपए ऐड करता हूं तो ये कितना हो गया, 8 लाख रुपए। अभी अगर मैं अदर पेबल को भूल जाऊं तो मुझे ये पता है कि इस साल मेरा ट्रेड पेबल कितने से इंक्रीज हुआ, यानी 3 लाख रुपए का तुम्हारे लेवल पे आ गया, ताकि मैंने सारी चीजें हटा दी, पहले अलग से समझ लो फिर उसको मिला देंगे उसके अंदर। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि सर मेरे पास ये बैलेंस शीट अभी ये बता रही है कि मैंने जो माल ऑपरेशंस के लिए परचेज किया था उसको यूज भी कर लिया, उसके लिए कितने पैसे पे नहीं किए, 3 लाख रुपए। तो अगर अब मैं यहाँ पे कैश फ्लो बनाऊंगा, सही जी इसको यहाँ सही करते हैं, अब अगर मैं यहाँ पे कैश फ्लो बनाऊंगा तो क्या मैं यहाँ पे लिखूं कि सर इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना है सर, 3 लाख रुपए, तो यहां पे कितना आ गया, तो 6 लाख रुपए ही नेगेटिव गया था ना आपके पास से, और अभी कितना गया, 6 लाख रुपए। बट मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये 6 लाख रुपए तब आया कि जब आपने सिर्फ ऑपरेशन से रिलेटेड पेबल को यूज किया, जब अब इसको और आसानी से समझो ताकि और लॉजिकल समझ आए, क्या मैं कह सकता हूँ जब एक्सपेंस ऑपरेशंस का होगा तो उसको कन्वर्ट करने के लिए पेबल भी ऑपरेशंस का यूज होगा, वापस से, क्योंकि बता रहा हूँ ना टेक्निकल है, हम तुम्हारे लेवल पे आगे लेके आ रहा हूँ, वापस से क्या मैं कह सकता हूँ अगर एक्सपेंस ऑपरेशन से रिलेटेड है
तो उस एक्सपेंस को कैश में कन्वर्ट करने के लिए, कैश एक्सपेंस में कन्वर्ट करने के लिए जो मैं पेबल यूज करूंगा वो भी कौन सा करूंगा? ऑपरेशंस वाला, पक्की बात है? तो ऑपरेशंस वाला ट्रेड एंड अदर पेबल या सिर्फ ट्रेड पेबल है? अच्छा, अब पता है, सुनिएगा, एग्जामिनर क्या करेगा, वो ये हरकत नहीं करेगा, वो बोलेगा ये कि भाई आप ये ऐसे दिया हुआ होगा, ये 5:30 दिया हुआ होगा, वो इस तरीके से दिया हुआ होगा, क्या मैं कह सकता हूं ये 8:50 और 5:30 इज नॉट ट्रेड पेबल, दिस इज ट्रेड एंड अदर पेबल। अच्छा, अब मैं अगर एक बात कहूं आपने समझ आ गई तो गेम ऑन है। पहले बताओ ऊपर तक की चीज क्लियर है, ये वाली 5 लाख और 8 लाख रुपीज वापस से मेरे पीएनएल में एक्सपेंस कितना गया ऑनलाइन में, तो तुम भी बताओगे पीएनएल में एक्सपेंस कितना गया? 9 लाख रुपए। पे कितना किया? 6 लाख। कितना पे नहीं किया? तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब आपको पता है कि 3 लाख रुपए पे नहीं किया, पर वो 3 लाख रुपए ऑपरेशंस वाला पे नहीं किया ना, तो आपको अगर ये देखना है कि ऑपरेशंस में कितना पैसा पे नहीं किया, तो आपको यूज करना चाहिए ट्रेड पेबल, ना कि ट्रेड एंड अदर पेबल, क्योंकि ट्रेड पेबल के अकाउंट से रिलेटेड है COGS। तो उस एक्सपेंस को कैश एक्सपेंस में कन्वर्ट करने के लिए आपको ट्रेड पेबल यूज करना है या ट्रेड एंड अदर पेबल? चलो मैं तुम्हें एग्जांपल भी देता हूं ना, अगर तुम 530 और 850 का डिफरेंस लो ना, कितना आता है? कितना आता है? 320। अच्छा भाई, आप कह रहे हैं सर ये आ गया 320, आप 320 ऐड करेंगे ना तो ये कैश आउट हो जाएगा। जब 320 ऐड करेंगे तो ये कैश क्या हो जाएगा? क्योंकि सर मैं आपको एक चीज समझाने लगा हूं, वो चीज ये है कि इस 320 के अंदर जो 20,000 रुपए वो इंटरेस्ट के अकाउंट से रिलेट करता है, ना कि मेरे ऑपरेशंस के अकाउंट से। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, क्या इस 320 के अंदर जो 20,000 रुपए का डिफरेंस है वो किस चीज का है? इंटरेस्ट पेबल के अकाउंट का है ना, तो क्या वो ऑपरेशन से रिलेट करता है या ऑपरेशन से हटके है? तो अगर मुझे एग्जाम में या प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर मुझे अपने प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन को कैश फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट करना है, तो मैं जो अकाउंट्स पेबल यूज करूंगा या जो मैं वर्किंग कैपिटल यूज करूंगा वो सिर्फ ऑपरेशंस वाला यूज करूंगा या सबको मिला के? सिर्फ ऑपरेशंस वाला। वापस से रिपीट करता हूं, जल्दी से मेरे साथ मुझे बताओ, मैंने एक्सपेंस कितने का किया, पैसे कितने गए, कितने नहीं गए? तो वो 3 लाख रुपए आपको कौन से अकाउंट से मिलेंगे? आपने खुद बोला ट्रेड पेबल के अकाउंट से, क्योंकि आपको ये लॉजिक पता है कि ट्रेड पेबल ही एक ऐसा अकाउंट है जो मेरे ऑपरेशंस के एक्सपेंस को कैश में कन्वर्ट करेगा, सिर्फ ट्रेड पेबल। अच्छा, अगर मैं कहूं कि उसके अंदर अदर पेबल भी है, तो क्या उसको उसमें रहने दें या पहले हटा दें? अच्छा, हटाने की लॉजिक ये है कि भाई वरना फिर मैं कहूंगा कि वो पैसा भी ऑपरेशन से रिलेट करता है, जबकि वो पेबल ऑपरेशन से रिलेट उसको अलग से देखेंगे, पर दैट डज नॉट पर्टेन टू ऑपरेशन। अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे, अभी लिंक करते हैं इसको। मेरा ये मानना है कि ट्रेड पेबल COGS के एक्सपेंस से रिलेट करता है, यस और नो? और अदर पेबल इंटरेस्ट एक्सपेंस से रिलेट करता है, ये नहीं है? ये बात समझ वापस से भाई, मैं कह रहा हूं कि जो मेरे पास ट्रेड पेबल है वो COGS के एक्सपेंस से रिलेट करता है, तो COGS को कैश पेमेंट में कन्वर्ट करने के लिए मैं सिर्फ ट्रेड पेबल यूज करूं या ट्रेड एंड अदर पेबल? ट्रेड पेबल। वापस से मैंने कहा COGS का रिलेटेड अकाउंट कौन सा है? ट्रेड पेबल। अच्छा, COGS को अगर कैश में कन्वर्ट करना है तो आई हैव टू यूज ओनली ट्रेड पेबल। ये रही एग्जांपल आपके सामने। मैं फिर आपको एक और बात पूछूं कि अगर मैं ट्रेड एंड अदर पेबल यूज करूंगा तो मसला है ना, क्योंकि उसके अंदर जो अदर पेबल है वो COGS से रिलेट नहीं करता, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस से रिलेट करता है, जो कि यहां से पर्टेन, जो कि ऑपरेशन से पर्टेन नहीं करता। पहले बताओ यहां तक बात समझ आती है? जो कि ऑपरेशन से पर्टेन नहीं करता। देखो मैं वही बात कह रहा हूं, मुझे पास पेपर कराने में कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो पहले आप लॉजिक समझ रहे हैं कि वो क्या करेगा एग्जाम में, वो ट्रेड पेबल भी पूछेगा उसके साथ साथ अदर पेबल भी। अच्छा, अगर मैं ट्रेड एंड अदर पेबल का 60 डिफरेंस ले लूं, तो इसके अंदर जो 20,000 रुपए का इम्पैक्ट है, क्या वो ऑपरेशन से रिलेटेड है या अदर देन ऑपरेशन? तो वो यहाँ नहीं आना चाहिए ना, इसलिए पहले आप अपने ट्रेड एंड अदर पेबल के अकाउंट को पाक साफ करेंगे। कोई मसला? पक्की बात है।
ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म कर दो जल्दी से, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए जल्दी से। हाँ भाई माज अहमद, हसन रब्बानी, हसान फराज, जल्दी से क्लियर है सारे बच्चे? क्या जानिए तुम सबको क्लियर है? जी मशीनरी पेबल्स देखो, जो भी एक बात सुनो, जो भी अदर पेबल होगा ना अदर देन ऑपरेशंस, वो यहाँ से हटा दिया जाएगा। मैंने अभी तुम्हें एक एग्जांपल दी है इंटरेस्ट पेबल की, एक एक करके इसमें ऐड होंगी चीजें। हो सकता है कि मैंने मशीन बेची हो, सही है जी, और उसका रिसीवेबल तो वो अदर रिसीवेबल में आएगा। मैंने मशीन खरीदी हो उसका पेबल हो तो वो भी अदर पेबल में आएगा। तो वो ग्रेजुअली देखना है। मैंने पहले आप इंटरेस्ट पेबल तक रहे। सर कैश फ्लो में कौन सी अमाउंट लिखेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन भाई। कैश फ्लो में ये 3 लाख रुपए वाली। अच्छा मुझे बताओ 3-20 क्यों नहीं यूज कर रहा आखिर बार बताओ? क्योंकि वो ऑपरेशन से पर डे भाई सिंपल याद रखते ना यूं, यहाँ पे समरी बनाओ। मैंने कहा COGS का जो भी एक्सपेंस है इसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा अकाउंट यूज करूं, क्योंकि मुझे पता है कि इस एक्सपेंस को अगर कैश में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो इसका पैसा कितना नहीं गया, वो ट्रेड एंड अदर पेबल बताया गया या सिर्फ ट्रेड पेबल? सिर्फ ट्रेड पेबल, पहले बताओ यहां पे क्लैरिटी है। अच्छा जी, फिर मैंने कहा तो अदर पेबल को भूल जाएं या उसको भी देखें? उसको भी देखना है। अच्छा जब मैं ये कह रहा हूं कि भाई अदर पेबल भी है, तो मैंने कहा लेट्स से वो यहां पे एक कौन सा एक्सपेंस है? इंटरेस्ट एक्सपेंस। अच्छा इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस का कैश निकालने के लिए मैं कौन सा अकाउंट यूज किया करता था इंटरेस्ट पेबल का? पिछली क्लासेस जाके देखें, मैंने इंटरेस्ट पेबल का कैश कहां से निकाला था? इंटरेस्ट पेबल के अकाउंट से। तो दोनों अकाउंट अलग है ना, तो मैं कैश को एक साथ डील करूंगा या अलग अलग? अलग अलग, मैंने भी यही बताया उसको, वहां पर रहने नहीं देना। कैसे अलग करना है वो अभी सिखा देता हूँ। तो पहले बताओ लॉजिक समझ आई कि अलग क्यों करना है? आखिर बार जल्दी से एक्सपेंस कितना है? 9 लाख रुपए का। पेमेंट कितनी है? 6 लाख रुपए की। अच्छा ये एक्सपेंस और पेमेंट का जो डिफरेंस है कहाँ मौजूद होगा? ट्रेड पेबल। आप ट्रेड एंड अदर पेबल क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि सर वेरी गुड, क्योंकि वो जो ट्रेड पेबल का अकाउंट है वो इन्वेंट्री COGS से रिलेट करता है ना, उस अकाउंट के अंदर इसके अलावा कोई और मूवमेंट नहीं होगी। तो फिर आपसे वही वाला अकाउंट निकाले ना कि अगर आपको COGS को कैश में कन्वर्ट करना है तो पहले मैं अपने ट्रेड एंड अदर पेबल को सिर्फ ट्रेड पेबल बनाऊंगा, जिसमें से अदर पेबल को क्या करूंगा? हटा दूंगा। क्या अदर पेबल को इसलिए हटाया कि उसको अकाउंट फॉर ही नहीं करना या अलग से करना है? वेरी गुड, या अलग से करना है। तो अलग से करना है तो वो अदर पेबल रिलेट करता है इंटरेस्ट पेबल से, और इंटरेस्ट पेबल इंक्रीज किस वजह से होता है? इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से, COGS के एक्सपेंस की वजह से नहीं, पक्की बात है। वो किस वजह से इंक्रीज होता है? सर वो इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से होता है। तो उसकी पेमेंट अलग निकलती है, ऑपरेशंस की पेमेंट अलग निकलती है। तो ऑपरेशन से रिलेट करता है COGS और ट्रेड पेबल, और इंटरेस्ट पेबल से रिलेट करता है इंटरेस्ट एक्सपेंस। वहां की पेमेंट वहां के हिसाब से निकलेगी, यहाँ की पेमेंट यहाँ के हिसाब से निकलेगी। अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, अगर मैं ट्रेड एंड अदर पेबल को यूज कर लेता ना तो आप इंटरेस्ट पेबल को भी यहीं एडजस्ट कर लेते, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि दैट डज नॉट पर्टेन टू ऑपरेशंस। भाई बात क्लियर है? ऑनलाइन वाले जल्दी कंफर्म करो भाई, फिर आपको मैं कॉपी करने का मौका दूंगा। अच्छा यानी सर एग्जाम में आपको 850 और 530 दिया हुआ होगा, आप इसको यूज करेंगे और पहले इसमें से रिवाइज अमाउंट निकालेंगे? अच्छा क्लोजिंग से 50 का डालेंगे, ओपनिंग से 30 का डालेंगे, आप पहुंच जाएंगे वहां पे, और फिर उस अमाउंट को यूज करेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर ट्रेड पेबल की। पहले बताओ क्या लॉजिकली समझ आई है क्यों माइनस करवाया? क्योंकि देखो तुम एग्जामिनर का सोल्यूशन देखते तुम कंफ्यूज होते कि यार ये क्यों माइनस करवा रहा है, जबकि माइनस करवाने के पीछे प्योर लॉजिक ये है कि दैट डज नॉट पर्टेन टू ऑपरेशन। बात क्लियर है भाई? प्लीज कॉपी करें इसको तो आगे लेके चलू। जी यानी अदर भी हो सकते हैं ना, और भी हो सकते हैं, अभी एक सिखाता हूँ आगे।
अभी खाली एक बेसिक क्लियर करनी थी कि इस ट्रेड पेबल के अंदर अगर कोई अदर पेबल होता तो उसको हटाते क्यों है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट कहाँ पे आ जाता ऑपरेशन में, जबकि वो कैश फ्लो ऑपरेशन नहीं है। कोई भी अदर पेबल होगा ना ऑपरेशन से हट के, तो उसको आप यहां से हटा देंगे, उसको अलग से डील करेंगे। अभी बताता हूँ कैसे डील करेंगे, सिर्फ अभी इतना समझ आना चाहिए आपको कि इसको हटाया क्यों है, क्लियर है? अभी इसकी देखते हैं मंतक के भाई अदर पेबल को डील कैसे करना है। हाँ भाई स्क्रॉल डाउन करूं, हसान 2022 का 50,000 रुपये और 2021 का 30,000 रुपये ना, ओपनिंग का ओपनिंग से निकालोगे, क्लोजिंग का क्लोजिंग से आप डिडक्ट करेंगे, तो आपको ओपनिंग क्लोजिंग सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशंस का मिल जाएगा। किससे माइनस करते हैं? बोलने में इतना कंफ्यूजिंग लग रहा है तो करने में कितना कंफ्यूजिंग होगा, तो मैं तभी तो कह रहा हूँ उसको अलग करो ना। मैं ये सारी मंतक के करके आता हूँ ना, मैं तो पता है ना मुझे, इसलिए क्योंकि जैसे तुमने कहा था कि शेयर कैपिटल का डिफरेंस ले लो, और मैंने कहा आगे एक ऐसा वक्त आएगा जब डिफरेंस नहीं लोगे, सही है ना, तो चीजें ख्याल रखनी है। नहीं वलीद इंटरेस्ट पेबल का क्या करना है वो भी बताता हूँ। बाकी तो सब वैसे ही है। जी एक मिनट, अब इसके बाद एक बैड डेट का कॉन्सेप्ट रह गया, उसके बाद पास पेपर्स, एंड इंशाल्लाह तुम सब उसको 100% सही करोगे। अगर तुम लोग क्विजेस टाइम पे करते आए हो, कर रहे हो ना क्विजेस, कितने हो गए अभी? 10 हो गए, 10वां तुमने दिया नहीं होगा ना भंगी, इसलिए तू कह रहा है। दस हो गए ना, यानी हो गया कॉपी। ये लाजमी लिखिएगा ताकि ये गलती नहीं करें एग्जाम में कि इसके अंदर 20,000 रुपए की जो चीज है वो रिलेट करती है अदर देन ऑपरेशंस, तो वो कभी भी इसको 6,00,000 को मैच नहीं करेगी। अभी मैंने इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस का इंपैक्ट दिखाना है कि अदर पेबल कैसे डील होगा। हो गया जानी यहां तक, ये भी लिख लो भाई। COGS का एक्सपेंस रिलेट करता है ट्रेड पेबल से, इंटरेस्ट एक्सपेंस रिलेट करता है इंटरेस्ट पेबल से। एक्सपेंस स्क्रॉल करते हैं भाई, ये तो वही एंट्रीज है नॉर्मल।
नहीं अभी बताता हूँ ना कैसे, वो वैसे ही होगा, अभी रिकॉल हो जाएगा कैसे किया था। हाँ यानी एंट्रीज तो तुम्हें बनाने की नीड नहीं है ना, ये तो तुम्हें वैसे ही पता है। आगे खाली एक चीज देख लो ताकि मैं इसको कनेक्ट कर पाऊं। अब मैं जरा इसको हल्का सा चेंज करूं इधर। अब आपको ये तो याद है ना कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आता है, सही जी। मैं यहाँ पे अलग से लिख रहा हूं कि सर सवाल में आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस बताया हुआ है, सही जी, और वो बताया हुआ है आपको 75,000 का, क्लियर है। अच्छा अब अगर आप इस बात को माने तो मैं आपको ये समझा पाऊं कि आप प्लीज 9 लाख रुपीज में अगर मैं 75,000 ऐड करूं तो 975 हो गया। मुझे ये लगता है कि आपको, क्योंकि मैंने आपको सिखाया कि मैं एक चीज समझाने के लिए बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट रखता हूं, तो आप बाकी सारी चीजें को कटा दें क्योंकि उसका मुझे पता है। मुझे एक बात पता है कि मेरे प्रॉफिट के अंदर बाकी तमाम चीजों के साथ साथ अब ये नेगेटिव होगा। ये कैसे 75 कैसे आ गया, यानी अब मेरे प्रॉफिट के अंदर एक COGS का एक्सपेंस है और एक इंटरेस्ट का एक्सपेंस है। अब देखो दिमाग में बात फिक्स कैसे होती है, खाली समझना इस बात को फोकस के साथ। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास मेरे प्रॉफिट के अंदर अब दो एक्सपेंसेस हैं, तो क्या सेल्स नहीं होगी, होगी अपने हिसाब से होगी, वो उसको तो मुझे डील करना आता है। मैं तो कह रहा हूं मेरे प्रॉफिट के अंदर अब COGS भी होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी होगा। कितने एक्सपेंसेस हैं, सबसे पहले आप निकालते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। आप प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के लिए बच्चों यहां पे करते हैं, क्या इस सवाल में कोई डेप्रिसिएशन है, पर आई बिलीव के इस सवाल में इंटरेस्ट एक्सपेंस है। अब देखो ये कंक्लूजन है, ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगी दिमाग में बात, क्योंकि मैंने वो बनाया इस तरीके से इसको। तो देखो कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस है, आपके ये बात याद आ रही है कि मैं इसको ऐड बैक किया करता था ताकि इसका इंपैक्ट और ये ऑपरेशन से पर्टेन। मैं कसम खा के कहता हूं कि जैसे ही मैंने इसको एडजस्ट किया ना, ये क्या हो गया, आई बिलीव कि दिस पर्टेन्स टू ऑपरेशंस ओनली। ये एक्सपेंस दुनिया जहां का एक्सपेंस है या सिर्फ ऑपरेशंस का, तो फिर इसको अगर कैश में कन्वर्ट करना है तो पेबल कौन सा यूज करूं, तो ये तो सिखाया, बात समझ आई। यानी मैं आपको सिखाना ये चाह रहा था कि जब इंटरेस्ट एक्सपेंस मैं ऊपर नलिफाई कर देता हूँ, जीरो कर देता हूँ, तो उसका इम्पैक्ट मेरे ऑपरेशंस में रहता ही नहीं है, तो उसका पेबल यूज करूं या उसका पेबल यूज ना करूं, उसका पेबल यूज नहीं करना, तो उसका पेबल यूज इसलिए तो नहीं करता क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ऑपरेशंस का प्रॉफिट होता है ना कि अदर देन चीजों का भी। क्या इस वाले प्रॉफिट के अंदर, इस वाले एक्सपेंस के अंदर तुम्हें अदर देन ऑपरेशन कोई एक्सपेंस दिखता है, नहीं, तो फिर मुझे पता है ना कि ये जब एक्सपेंस सिर्फ ऑपरेशंस का है तो मैं पेबल कौन सा यूज करूँ, ऑपरेशंस का, तो ट्रेड एंड अदर पेबल यूज करूंगा तो मसला हो जाएगा ना, क्योंकि ऊपर एक्सपेंसेस सिर्फ ऑपरेशंस के हैं, तो उस एक्सपेंस से रिलेटेड जो पेबल का अकाउंट है, यानी मैं ये कह सकता हूँ अब आगे कंक्लूड करने के लिए कि जो एक्सपेंस ऊपर बच गया ये वही एक्सपेंस है जिसकी वजह से मेरा ट्रेड पेबल आता है, ना कि ट्रेड एंड अदर पेबल। क्या ये 9 लाख रुपए किस चीज में रिजल्ट होगा, ट्रेड पेबल में या ट्रेड एंड अदर पेबल, क्योंकि ये 9 लाख रुपए मेरे सप्लायर से डीलिंग है ना, इसके अलावा तो मेरी सप्लायर से डीलिंग नहीं है, तो सप्लायर बोलेगा बाकी मुझे क्यों चिपका दो, मेरा पेबल मेरे से रिलेटेड होगा, वो सिर्फ कौन सा होगा, ट्रेड पेबल, जो कि किससे रिलेट करता है, ऑपरेशन से। तो क्या मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस को आपको पहले जीरो करना सिखाया है, दो लॉजिक्स थी, इसका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये ऑपरेशन से पर्टेन। तो जब मैंने इसको एडजस्ट किया तो मैं पहुंच जाया करता था प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे। अब जब सब कॉन्स्टेंट है तो मैं कह रहा हूँ ये एक्सपेंस फ्रॉम ऑपरेशन है, इस एक्सपेंस फ्रॉम ऑपरेशंस को पेमेंट फ्रॉम ऑपरेशंस में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा अकाउंट यूज करूं, ट्रेड पेबल का। आखिर बार पूछ रहा हूं अदर पेबल क्यों नहीं कहते, वो ऑपरेशन से रिलेट नहीं करता भाई, तभी हटा दिया था उसको। अब जब एक्सपेंस सिर्फ ऑपरेशंस का है तो फिर पेबल भी सिर्फ ऑपरेशंस का होगा, क्योंकि हमने वो एंट्री बना के देखा है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, अब मैं यहां पे वर्किंग कैपिटल चेंजेस की हेडिंग डालने के बाद किया करता था इंक्रीज इन ट्रेड पेबल,
कितना है जी? 3 लाख रुपए। क्या मेरे पास ये आ गया जी? कितना? 6 लाख रुपए। ये मेरे पास से ऑपरेशन से गया है, पर आप याद करें कहानी यहाँ खत्म नहीं होती थी। अब मैं यूज करूंगा अदर पेबल का अकाउंट। वेरी गुड। तो अब मैंने क्या कहा, अब मैं बनाऊंगा यहाँ पे डी अकाउंट। किसका ओपनिंग कितना है? 30,000 रुपए। क्लोजिंग कितना है? 50,000 रुपए। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैंने उसको यूज नहीं किया, मैं तो उसको अलग से देख रहा हूँ क्योंकि ये ऑपरेशन से रिलेट नहीं करता। अच्छा, ये ओपनिंग किस वजह से इंक्रीज होता है? अच्छा, मेरा दिल कर रहा है सीओजीएस पार्क करते हैं यहाँ पे। क्यों सर? इंटरेस्ट पेबल का अकाउंट है ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि सीओजीएस अलग है, इंटरेस्ट एक्सपेंस अलग है। सीओजीएस का पेबल अलग है, इंटरेस्ट पेबल का जो अमाउंट है वो अलग है। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया। ये अकाउंट आपको बता रहा है कि आपके पास कुल मिला के 105 का एक्सपेंस था, मतलब पेबल था, जिसमें से बचा कितना है? तो कितना पे कर लिया? तो सर आपने 55 पे कर लिया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अब यहां पे आप दिखाएंगे इंटरेस्ट पेड 55,000। अब ये टोटल अमाउंट आ गई कितनी? पेमेंट है ना, बताओ रिकॉल हुआ? इस सवाल के अंदर या इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपने सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना है कि आपके ऑपरेशंस के पेबल को सिर्फ ऑपरेशंस का होना चाहिए, उससे उसके अलावा अगर कुछ आप साथ क्या करेंगे, हटा देंगे। तो सबको हटाने का मतलब ये कि उसकी अकाउंटिंग नहीं करनी, अलग से करनी है, अलग से करनी है। और इट मेक सेंस कि अलग से इसलिए करनी है क्योंकि वो ऑपरेशन से रिलेट नहीं करते। भाई बात क्लियर है? ओके जी, अब कॉपी करें इस चीज को, खाली इंटरेस्ट एक्सपेंस लिख देना अपने पास ऊपर और फिर ये नीचे अलग से बना देना कैश फ्लो। जी 975 पे लॉस नहीं है, मैं कह रहा हूँ सेल्स वेल सब होगा, उसको कांस्टेंट रखो तो सिर्फ ये देखो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। सही है, मेरे प्रॉफिट के अंदर। अच्छा वलीद, जल्दी से बता दो ये बात क्लियर है जो तुम पूछ रहे थे मुझसे? किसको? इंटरेस्ट वाले को? वर्किंग कैपिटल में तो किसी को नहीं डाला, सिर्फ वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज इन ट्रेड पेबल है। वर्किंग कैपिटल के अंदर सिर्फ इंक्रीज इन ट्रेड पेबल है। इंटरेस्ट पेड क्या हम जानी, तुम लोग बताओगे इंटरेस्ट पेड क्या वर्किंग कैपिटल में आता था या आखिर में? हम पहले, मैंने ये बताया हुआ भी है, हम पहले निकालते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करने के बाद। कैश फ्रॉम ऑपरेशन के बाद मैं बताता हूँ इस ऑपरेशंस के कैश में से मैंने इतना इंटरेस्ट क्या किया था, पे किया था, तो वो अलग से आ रहा है, ना कि वर्किंग कैपिटल में। सही है, वर्किंग कैपिटल तो यूज ही इसलिए होता है ताकि ऑपरेशंस के एक्सपेंस को कैश एक्सपेंस में कन्वर्ट किया जाए, ऑपरेशंस की सेल्स को कैश सेल में कन्वर्ट किया जाए। तुम लोग मुझे बताओगे ऑपरेशंस की सेल्स कैश सेल में कैसे कन्वर्ट होती है? रिसीवेबल के अकाउंट को यूज करके। फिर रिपीट कर रहा हूं, मुझे गाइड करो उस पे, ऑपरेशंस की सेल कैश सेल में कैसे कन्वर्ट होती है? ट्रेड रिसीवेबल को यूज करके। अच्छा एक और बात बताओ, ऑपरेशंस का एक्सपेंस सीओजीएस वाला कैश वाले एक्सपेंस में कैसे कन्वर्ट होता है? ट्रेड पेबल, वो ये यूज किया। जब ये सारे चीजें इस्तेमाल करके हमें मिल जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन, और फिर उसके अलावा अदर देन ऑपरेशन जो है वो ये अलग से आ गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वही, फाइनेंसिंग एक्टिविटी वही, देखो कॉन्सेप्ट अभी भी वही था, पर उसने क्या किया था, मिक्स किया हुआ था, तो अलग करने की लॉजिक बता रहा था। अच्छा हसन रब्बानी, अभी इस बच्चे ने भी सवाल किया था, पीबीडी माइनस में लिखा हुआ है, दैट डजंट मीन लॉस है। मैं कह रहा हूं कि जो भी मेरा प्रॉफिट होगा उसमें ये नेगेटिव इंपैक्ट भी होगा, उसको समझाया हमने। जानी भाई ऑनेस्टली बता दो, क्या ये बात क्लियर है? पक्की बात है? अच्छा भाई, ये बात इसलिए क्लियर होनी चाहिए क्योंकि आपके लॉजिक्स इतने क्लियर होने चाहिए कि भाई आपको पता हो कि अगर मैं कोई चीज एग्जाम में अलग कर रहा हूं तो उसके पीछे लॉजिक क्या बनती है। चलिए जी, ये 655,000 नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन है, क्या वलीद सही कह रहे हैं? ये 655 जो है नेट कैश, और उसके ऊपर जो है कैश फ्रॉम ऑपरेशन, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। सर पहले हम इंटरेस्ट पेड वर्किंग कैपिटल से करते थे, अब नहीं करना? यार अल्लाह की कसम, मैंने ऐसा तो कभी नहीं सिखाया, ये तो तुम लोग इल्जाम लगा रहे हो।
बुशरा मेरी बहन, मैंने अल्लाह की कसम कभी ये नहीं सिखाया भाई, कब मैंने कब वर्किंग कैपिटल से माइनस करवाया इंटरेस्ट पे, वर्किंग कैपिटल के बाद कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के बाद। सही है, अगर आपको वो क्लैरिटी नहीं थी तो अभी याद कर लो इस चीज को, हम इंटरेस्ट पेड हमेशा कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के बाद माइनस करते थे। वही सर, वही नहीं ना, गलत कह रही हो ना। देखो उस पर आपको ना शायद इसलिए कंफ्यूजन हो रही है, यहां पे हमने लिख दिया वर्किंग कैपिटल चेंजेस और यहां पे लिख दिया आप कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। सही है जी, अब क्लियर हो गया। अब यहां पे लिख देंगे आप नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा भाई, अब खाली ये देख लो, ये इतना सा क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ ये एडजस्टमेंट्स हैं। अच्छा, ये पास पेपर के इक्विवेलेंट ही है, इसमें से बैड डेट्स नहीं है, क्योंकि मैं पास पेपर इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि अभी मैंने बैड डेट का कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने किया हुआ तो है ना पीआरसी पे। चलो मैं पूछूंगा फिर तुम लोगों से कि क्या किया हुआ है सर पीआरसी के लेवल पे, तुम लोगों ने अपना बैड डेट का कॉन्सेप्ट किया हुआ है, मानता हूँ किया हुआ होगा, पर मैं यहाँ पे उसको रिवाइज भी करवाऊंगा और फिर उसको लिंक करेंगे किससे, क्योंकि मैंने कोई भी चीज यहाँ पे डायरेक्टली लिंक नहीं करवाई है, पहले मैंने उसकी कॉन्सेप्ट दिया है और फिर हमने लिंक किया ताकि अकाउंटिंग भी समझ आए, उसकी प्रेजेंटेशन भी समझ आए। बट बिफोर हम यहाँ पे जाएं, मैं खाली एक चीज दिखा दूं आपको पास पेपर की। अगर वो यहाँ मिल जाए, जी यार एक मिनट जानी, सवाल सुनने दो। 26 रोजे के बाद दे देंगे यार, क्यों एतिकाफ में बैठना तुमने? तो तुम बात कर लो, सर कर लेंगे, बात एक ही है, कर लेंगे ऑफ। अगर वाकई तुम एहतिकाफ में बैठना चाहते हो तो सही है। अच्छा, मैं खाली पास पेपर दिखाना चाह रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये सफा नंबर है, अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे, जस्ट टू गिव यू कॉन्फिडेंस कि मैंने जिस लेवल से उठा के तुम्हें यहाँ पे लाया हूँ, ये मेरा दिल जानता है। इधर देखो, हमने बहुत बेसिक से काम किया, इधर देखना खाली, यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ओपनिंग भी दिया हुआ है, क्लोजिंग भी दिया हुआ है। अच्छा जी, हमने ये पीपी परचेज किया हुआ है। अच्छा, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, आई थिंक ये आपको सारी चीजें पता है कि शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, इसको कैसे यूज करना है। अच्छा, इसमें खाली देख के बताओ, पास पेपर है सर, हम तो ऐसे ही डिस्कशन कर रहे हैं। इस पास पेपर के अंदर जो कि 17 नंबर का है, आपका शेयर प्रीमियम इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, क्यों? क्योंकि शेयर इशू हुए होंगे, ये बात तो क्लैरिटी से मुझे समझ आ रही है। आपका शेयर कैपिटल भी इंक्रीज होता हुआ दिखता है। अच्छा, पर आप अपने ख्याल रखना होता है कि जो शेयर इशू हो रहे हैं, हो सकता है बोनस भी हो, तो फिर वो रिटेनिंग से जाएंगे, तो हमने सारी चीजें सीखी हुई हैं। अच्छा, आगे ये बात समझाते हो, ये लिखा हुआ ट्रेड एंड अदर पेएबल, ट्रेड एंड अदर पेएबल यहाँ पे दिया हुआ है 144 और ओपनिंग दिया हुआ 120। क्या मैं ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस में यूज कर सकता हूँ? क्यों? अच्छा, खाली एडजस्टमेंट देख लेते हैं ताकि समझ आए। डेप्रिसिएशन ऑन पीपी इतना, ये कौन सा था? नॉन कैश एक्सपेंस। अच्छा भाई, ये क्या ये रहा है? फाइनेंशियल चार्जेस। फाइनेंशियल चार्जेस का मतलब है इंटरेस्ट एक्सपेंस, इतना था। इस फाइनेंशियल चार्जेस को एडजस्टमेंट में क्या करेंगे? एडबैक, पक्का? ताकि इंपैक्ट क्या हो जाए? वेरी गुड यार, अब आगे समझे।
ट्रेड एंड अदर पेएबल इंक्लूड अक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस, ये क्या है? इंटरेस्ट पेएबल, जो कि अदर पेएबल के अंदर शामिल है। इसको बाहर रहने दूं, वहां से हटा दूं। अच्छा हटा दूं, अकाउंटिंग नहीं करनी, अलग से करनी है। से बताना चाह रहा था कि पास पेपर मुश्किल नहीं है, तो मैं कॉन्सेप्ट आ गया। इसमें दो तीन चीजें हैं जो अभी हम सीखेंगे और फिर पास पेपर करेंगे, सही। उससे पहले हाथ साफ कर लेते जो अब तक के कॉन्सेप्ट हैं। सवाल पे आ जाते हैं। ये राजी, ये सवाल मैं आपको व्हाट्सएप पे भी भेज देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा कवर नहीं होगा। चेक करें आ गया होगा। 17 मिलियन का क्या मतलब है सर? हैं 17 मिलियन का क्या मतलब है? मतलब अरे मतलब वो तो वो जिस गली जाना ही नहीं उसको देखो नहीं ना अभी। अभी तो फिलहाल आपको मैं खाली ऐसे ही बता रहा था अहमद, वो सिर्फ आपको दिखा रहा था कि पास पेपर इस नीचे का होता है जो आपने सवालात किए हैं। या देखो पास पेपर आ गया, उस पर सवाल आ गया ये। ओके जी, हर ग्रुप पे भेजा जानी। ट्रेड पेबल जानी अकाउंट्स पेबल होता है ना। नहीं आया आपके पास? रजिस्टर्ड में भेज देते हैं, एक मिनट अभी भेजता हूँ। देख लो अब आया, वापस भेज दिया है, या किसी के पास आ गया तो रजिस्टर्ड ग्रुप पे भेज दे। आ गया आप? ये कौन सा ग्रुप है जिसमें मैं ही नहीं हूं? डॉट भेजा है, डॉट आ गया, सवाल नहीं आया। अरे तुम लोग भी झूठ गया, मैंने वाईफाई नहीं खोला हुआ था, कैसे आया तुम्हारे पास? हाँ बोल रहे हो, अच्छा अच्छा ये ग्रुप पे भेज दो ना, ये ग्रुप पे भेज दो। वही ट्रेड पेबल है, हाँ ट्रेड एंड अदर पेबल है। भाई आ गया आप सबके पास? आ गया, ओके जी, जल्दी जानी, स्पीड में करना ये सवाल। चार्जेस अक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस, अक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस का मतलब है पेबल, करंट ईयर का इतना है, लास्ट ईयर में इतना है, तो आप इन दोनों को हटा देंगे।
भाई मैंने ग्रुप पे भेजा हुआ है, जूम आउट करूंगा तो एक पेज पे नहीं आएगा ये, आप प्लीज व्हाट्सएप पे देखें इस सवाल को। वो ये बता रहे कि अहमद लास्ट ईयर का जो ट्रेड पेबल है उसके अंदर 350 इंटरेस्ट पेबल शामिल है, यानी करंट ईयर के पेबल के अंदर 2 लाख रुपए शामिल है, लास्ट ईयर के पेबल के अंदर 350। सही है अहमद? हाँ कोई मसला नहीं, ट्रेड पेबल का भी अप्रूवल ही होता है ना। हाँ नहीं नहीं कोई सेम बात है, सेम बात है बेटा। 350 को ओपनिंग से करेंगे ना अहमद जी, अभी तो बताया था कि वो बताएगा आपको ट्रेड पेबल के अंदर, क्लोजिंग पेबल के अंदर इतना है, ओपनिंग पेबल के अंदर इतना है, ओपनिंग को ओपनिंग से हटाओगे, क्लोजिंग को क्लोजिंग से हटाओगे, क्योंकि इतने पैसे नहीं गए ना आपकी जेब से, वही तो सीखा था अभी। नहीं अक्रूवल तो लायबिलिटी है ना अलीमा, ट्रेड पेबल। देखें स्पेसिफिकली वो लायबिलिटी के नीचे आ देना। अक्रूवल एंड अदर पेबल का मतलब होता है ट्रेड एंड अदर पेबल, यानी लायबिलिटी को आपने अक्रूव किया हुआ है। Thank you.
किसी ने कैश डिविडेंड निकाला? यस सर। कितना आया? 250। बिल्कुल सही है। मैच हो गया। गुड यार। हाँ भाई, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आ रहा है अगर आप लोगों ने निकाल लिया है? नेट कैश बता दो। 1740000 यही है। हो गया यानी मैच। गुड। इंटरेस्ट पेड 241।
Interest received. Interest received at 130. हाँ अभी हमने डेक्स का कॉन्सेप्ट नहीं सीखा ना। हाँ हाँ अभी कल की क्लास पास पेपर करेंगे ना, उससे पहले कर लेंगे। तुम्हारी 80% हो चुका है। हमने ये क्या 2190100 नेट कैश इनफ्लो, बिल्कुल सही है। बेहतरीन, बिल्कुल सही है। हाँ भाई अब तक तो जाना चाहिए, हो गया मैच भी हो गया। चलो जी गुड, आओ डिस्कस कर लें इसको। पहले पीपी का अकाउंट देख लें आप लोग। पीपी का ओपनिंग आपको बैलेंस शीट में गिवन है, क्लोजिंग भी बैलेंस शीट में गिवन है, डेप्रिसिएशन आ गया, ये डिस्पोजल गिवन है। अच्छा गेन ऑन डिस्पोजल कितना है? 20,000। आपने लॉस है तो इस लॉस को आपने, लॉस 32,000 है ना, 32,000 का लॉस है ना, तो 32,000 का लॉस आपने क्या किया, ऐड बैक कर दिया ताकि इसका इंपैक्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस आपने ऐड किया क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है, वो अपनी जगह स्टैंड स्टिल है। फिर हमने कहा जो पीपी हमने बेचा है उससे प्रोसीड्स आई है 358 की, और जो पीपी खरीदा है उससे पैसा गया 787,900 का। फिर हमने कहा सर अब आगे लेके चलते हैं। अच्छा आप लोग एक चीज देखिएगा क्योंकि कल हमें पास पेपर करना है नेक्स्ट क्लास में। मुझे एक बात बताओ, आप लोगों की अप्रोच यही होती है ना कि एक एक लाइन आइटम वाइज चलते हो, यानी पहले पहला आइटम पीपी का, फिर वर्किंग कैपिटल आ गया तो उसको पार्क किया, इसी तरीके से चलते हो ना। और सीक्वेंस भी यही होनी चाहिए कि आपने लाइन वाइज चलना, एक एक हेड को कवर करके, ताकि वो 100% कंप्लीटनेस क्या हो जाए, इंश्योर हो जाए। हमने कहा सर पीपी का अकाउंट हमने कर लिया, डेटर्स आपके इंक्रीज होते हुए दिखते हैं, जल्दी बताओ उसका मतलब क्या है। इतने पैसे रिसीव जबकि सेल हो चुकी है, तो प्रॉफिट में शामिल है कैश में शामिल नहीं, आप इसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे कितने से, 150,000 से। तो सर हमने 150,000 से यहां से इसको हटा दिया। अच्छा भाई अब अगर हम डेटर्स पे भी टिक लगा दिया, इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है, ऐड करते हैं, इसका मतलब ये है कि इन्वेंट्री यूज हो गई और खरीदी, जिसका इस साल कोई कैश आउटफ्लो नहीं है, हम क्या करेंगे उसको ऐड बैक कर देंगे कितने से भाई, 82,000 से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इंटरेस्ट रिसीवेबल वर्किंग कैपिटल में आएगा या अदर देन वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि ये ऑपरेशन से रिलेटेड, पर आपकी इसकी जो भी इंटरेस्ट इनकम है आप उसको पहले हटाएं ताकि इसका इंपैक्ट
जीरो हो जाए वो ऑपरेशंस के प्रॉफिट में से हम उसको कटा देंगे। जब मैंने पीएनएल देखा तो इंटरेस्ट इनकम आ रही है मेरी कितनी भाई 108। ऐसा ही है, 108 को मैंने अपने कैश फ्लो में से यहां से हटा दिया, रीजन बीइंग क्योंकि वो ऑपरेशन से रिलेट नहीं करता और इंपैक्ट भी जीरो हो जाए। फिर मैंने इसका एक अकाउंट बनाया इंटरेस्ट रिसीवेबल का, ओपनिंग मेरा इनकम की वजह से इंक्रीज होगा और क्लोजिंग इतना आ तो बाकी इतना पैसा रिसीव हो चुका है। तो मैं ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखा दूंगा कि भाई इंटरेस्ट इतना रिसीव हुआ है, यहां तक कोई मसला? चलें जी। अब सर मैंने ये कहा कि भाई इसके बाद ये अकाउंट भी डन, यानी आधी बैलेंस शीट तो आपने यहीं पे मुका दी। अब आ गए हम सर एक्विटी पे। मेरी आपको सजेशन ये होती है कि जब भी एक्विटी का काम करें तो तीनों अकाउंट साथ खोलने होते हैं हमें, और आप भी ऑब्वियसली यही करते होंगे, तीनों अकाउंट साथ ही खोलते हैं। अच्छा भाई, जब मैं शेयर कैपिटल का चेंज देख रहा हूँ ना, तो ये हमें बेवकूफी नहीं करनी कि इतने शेयर्स आए, हो सकता है कि बोनस भी हो। तो इस सवाल में बोनस है? अच्छा भाई, कितना बोनस है? 15%। पर अगर मैं यहाँ पे देखूं 15% बोनस जुलाई में दिया गया है जबकि अगस्त के अंदर फर्दर इशू है, तो दैट मींस के पहले वालों को से बोनस मिलेगा, बाद वालों को बोनस नहीं मिलेगा। चलें सर, अगर मैं कहूं कि 15% का बोनस है तो क्या वो 2.5 मिलियन पे लग जाएगा? अच्छा, 2.5 मिलियन का 15% कितना? 375। तो हम आए यहाँ पे सर, हमने कहा 375,000 से रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, और सर हमारे पास शेयर कैपिटल क्रेडिट, इसका कैश फ्लो पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा भाई, हमने यहाँ पे प्रॉफिट पार्क किया और फिर हमने देखा कि बैलेंसिंग फिगर आ रही है कैश डिविडेंड कितने का, 2.5 लाख रुपए का। क्या ये कैश डिविडेंड कोई एक्सपेंस है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? ये प्रॉफिट में से माइनस नहीं हुई भी, आप इसको सिंपल कैश फ्लो में माइनस करते हैं। कौन सी एक्टिविटी में? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। सर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में गए, हमने कहा कि सर ये आप डिविडेंड पेड माइनस करके दिखा दें। अच्छा, अगर मेरे शेयर कैपिटल के अकाउंट में इसके अलावा पैसे आ रहे हैं तो वो कैश इशू है, तो सर क्या सिर्फ ये है या प्रीमियम को मिला के? तो इन दोनों को मिला दे तो 1 मिलियन बनता है। अच्छा भाई, तो हमने ये कहा कि हमें यहाँ पे अलग ऐसे नहीं दिखाना चाहिए, हमें इसको सिंपल दिखाना चाहिए कितना 1 मिलियन, और मैं यहाँ पे इसको काट रहा हूँ, ये है प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ, ये एग्जैक्ट आपको ऐसे दिखाना चाहिए। सही है जी, यहाँ तक कोई इशू? कितने लोगों ने यहाँ तक सही किया था? वेरी गुड यार, बिल्कुल परफेक्ट था। चलिए जी, अब सर हमने ये एक्विटी की चीजें पार्क कर ली, एक अकाउंट रह गया। सर दिल चाह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस लेके पार्क कर लें, या गलत दिल चाह रहा है? गलत दिल चाह रहा है, क्यों? इसके अंदर अदर पेबल भी है जो कि ऑपरेशन से रिलेट, तो आप अगर ऑपरेशंस का कैश निकालना चाह रहे हैं तो फिर जो एक्सपेंस ऑपरेशन का है तो उसके रिलेट पेबल भी ऑपरेशंस का रखें, तो आप ओपनिंग में से ओपनिंग हटा देंगे, क्लोजिंग में से क्लोजिंग। अच्छा, ओपनिंग में से अगर वो हटा दूं तो फिगर कितनी बनती है? 636,000 की अमाउंट है, क्या ये सोली ट्रेड पेबल है? Yes. पक्का? अदर पेबल को हटाने के बाद। अच्छा, क्लोजिंग बताओ? 810। यानी अब मैं ये कह रहा हूं कि ये वो टोटली सोली वो वाला पेबल है जो ऑपरेशन से रिलेट करता है, और मेरे ऑपरेशंस के एक्सपेंस को किसमें कन्वर्ट करेगा? कैश में। तो वही पेबल यूज करूंगा मैं, क्योंकि अगर अदर पेबल रहने देता तो वो कभी भी मैच नहीं होता। तो हमने इसको जब यूज किया तो मेरे पास इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, मतलब मैंने ऑपरेशन में इतना पैसा अभी दिया नहीं है जबकि एक्सपेंस हो चुका है। क्लियर? अच्छा भाई, तो अब हम यहाँ पे आए तो वो अमाउंट कितनी है? 174,000। तो सर मेरे पास कैश फ्रॉम ऑपरेशन ये आ गया। सही जी, इंटरेस्ट पेड की अगर बात करें तो वो इंटरेस्ट पेबल के अकाउंट से, ओपनिंग अलग आ गया, क्लोजिंग अलग आ गया, एक्सपेंस मैंने कहाँ से उठाया भाई? पीएनएल से। और पेमेंट आ गई 241,000 की, मैंने 241,000 की पेमेंट यहाँ पे दिखा दी। मेरे पास नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन आ गया कितना? 174,000। यहाँ तक कोई इशू? सर मेरे पास ऑपरेशन से इतना पैसा आया, मैंने इन्वेस्टिंग में इतना लगाया, मैंने फाइनेंसिंग इतनी ऑप्टेन की, तो मेरे पास नेट इनफ्लो आ गया 219,010। ओपनिंग बैलेंस कितना था? 999,000। तो आपके पास क्लोजिंग आ गया 318,910।
भाई ऑनेस्टली बताओ ये कैश फ्लो मुश्किल है आसान है? आसान है, अगर आपने लॉजिकली पढ़ा हुआ तो ये मुश्किल नहीं है। कल मैं बिल्कुल टाइम पे क्लास शुरू करूंगा। सही जी, अगर मैंने कल क्लास रखी तो, क्योंकि फ्राइडे है, आप लोग बहुत चूचे पापा बच्चे हैं ना, मासूम से अभी पियासी से आए, अभी तो आगे तक का साथ है ना, पता लगेगा तुम लोगों को। खैर, अगर कल क्लास रखी तो 2 घंटे की रखूंगा, और जानबूझ के इसलिए रखूंगा क्योंकि मुझे करवाना है पास पेपर। एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मुझसे 20 नंबर का 17 नंबर का सवाल हैंडल हो सकता है। सही है जी, मिलते हैं यहाँ पे, रिवाइज करके आइएगा और कल फ्रेश होके आइएगा। सही है जी, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। और कल की क्लास बहुत अहम है क्योंकि पहला पास पेपर है। चलो जी, मैं बोल रहा हूँ अगर तो है।